सरकार सभी जनधन खाताधारकों को 3 अप्रैल से 500 रुपये उनके खाते में पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों शुरू में ये समझने वाले हैं कि ये जो पैसे हैं आपको किस नियम के तहत मिलने वाले हैं और आप इन पैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कितनी तारीख तक आपको ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन जारी है 21 दिनों का। दोस्तों इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान है देश का सबसे ज्यादा गरीब वर्ग। दोस्तों उनके सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं जिसके कारण उनकी न कहीं से आय हो पा रही है और उनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। दोस्तों उन्हीं परेशानियों को ध्यान रखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि जो भी देश के जो महिला जनधन खाते हैं उन सभी जनधन खातों के अंदर उन सभी को 500 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों शुरू में यही जानने वाले हैं कि ये जो पैसे हैं आपको कितने तारीख तक आपके खाते में आ जाएंगे और किस नियम के आएंगे, क्योंकि एक साथ सभी के पैसे एक साथ सभी के अकाउंट में नहीं आने वाला है। कुछ नियम है, उस नियम को मैं आपको बताने वाला हूं, प्लस दोस्तों यही बताऊंगा कि उन पैसों को आप कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके लिए भी सरकार ने नियम कुछ बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं उस रूप का चौबे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल चौबी जी टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को ताकि हमारे बनेंगे यूट्यूब सेंट्रिक वीडियो या फिर कोई नॉलेज वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन के खातों में सरकार 500 रुपए भेजने वाली है। दोस्तों सीधी सीधी बात है, आप जिनका मतलब खाता महिला जनधन खाता है, यानी कि जिन महिलाओं का जनधन खाता है उन सभी महिलाओं के जनधन खाते के अंदर सरकार 500 रुपए लगातार 3 महीने तक भेजेगी, ठीक है, यानी कि अप्रैल मई जून, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पैसे हैं आपको कितनी तारीख के बीच में आपके खाते में हमेशा पहुंच जाएंगे, हर महीने पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सरकार ने जैसा बता रखा है कि 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में आपके जो पैसे हैं आपके खाते में हर महीने डाल दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पैसे हैं किस नियम के तहत आपके खाते में आएंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। कहने करती है कि आपके जो पैसे हैं मतलब पूरे जनधन खातों का, यानी कि पूरे जनधन खाता जो अकाउंट है पूरे देश के अंदर उन सभी अकाउंट में एक साथ पैसे नहीं डाले जाएंगे। कुछ नियम बनाया है, नियम ऐसा है कि जिन जनधन खाता धारकों की अकाउंट नंबर के लास्ट में यानी कि लास्ट अंक में 0 हो या फिर 1 हो उन सभी जनधन खाता वालों के जो मतलब पैसे हैं वो 3 तारीख को भेजे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पे मतलब फोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो के अंदर आप समझ सकते हैं और बता भी रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और यदि आपके जनधन खाता संख्या मतलब या फिर आपके जनधन खाते के अकाउंट का जो संख्या है लास्ट में 1 या 2 है उसके जो पैसे हैं वो 4 तारीख को भेजे जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही 4 से 5 जिनके लास्ट में अंक है मतलब खाता संख्या का उनको मतलब नेक्स्ट तारीख को यानी कि 5 तारीख को भेजे जाएंगे। ऐसे दोस्तों जिनके भी मतलब लास्ट में 0 से लेकर 9 तक के बीच में जो सारणी मैंने यहाँ बताई है इस तरीके से आपके जो पैसे हैं 9 तारीख तक सभी के आ जाएंगे। दोस्तों ये था नियम जिस नियम के तहत सरकार आपके खाते में पैसे डालने वाली है। दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने का सकता नहीं है, सरकार आपके खाते में पैसे डाल देगी 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो पैसे भेजे जाएंगे आप इन पैसों को कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे इन पैसों को आप निकाल सकते हैं। दरअसल दोस्तों देखा जाए सरकार ने ऐसे कर रखा है कि अप्रैल तक यानी कि इस महीने तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैंक की जो ब्रांच है आपकी वो कुछ मतलब आपके खाता संख्या के हिसाब से मतलब खाता संख्या जो है उसके हिसाब से एक मतलब लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी लिस्ट के हिसाब से आपको जाकर पैसे निकालने होंगे ताकि मतलब एक साथ सभी लोग पैसे निकालने ना जा पाए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ब्रांच से भी जाकर पैसे निकाल सकते हैं क्या। दोस्तों ऐसी बिल्कुल बात नहीं, सरकार ने ऐसे भी कह रखा है कि आप किसी नजदीकी एटीएम में भी जाकर अपने जनधन खाते का जो पैसा है आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको सब चीज अच्छे से समझा दिया है कि किस तारीख को पैसा आने वाला है, किस नियम के तहत पैसा आने वाला है, कि आप मेरा अकाउंट मान लीजिए लास्ट में अकाउंट संख्या है 3 है या फिर 4 है, उस डिजिट के जो संख्या है वो कितनी तारीख को पैसा आने वाला है, ये नियम मैं आपको बताया था, उस नियम के तहत आपका पैसा आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको सब चीज अच्छे समझा दिया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो इस वीडियो संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पे कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है उन सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके कमेंट का जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए साबित हो पाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।